अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद आपको हमारे बिग बैंग के ऑफिशियल वीडियो चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे, कुछ मसाइल डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपके DVR होता है, DVR में अमूमन आपकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होती है, हार्ड ड्राइव डिटेक्शन छोड़ जाती है, तो इन मसाइल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इन मसाइल के बारे में डिस्कस करते हैं और उनके सोल्यूशन आपको बता देते हैं कि क्या मसाइल होते हैं और उनका हल क्या होता है। सबसे पहले हमें मसला आता है, अमूमन हमारा DVR जो होता है रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा होता है, हमें वीडियो चाहिए होती है और जब चेक किया जाता है तो वीडियो सामने नहीं निकलती है क्योंकि हमारी हार्ड ड्राइव डिटेक्शन नहीं कर रही होती या कि हमारी हार्ड ड्राइव जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर रही होती है। तो इस मसले को चेक करने के लिए दोस्तों आपने करना क्या होगा, आपने जाना है DVR के मेन मेन्यू में। मेन्यू में जाने के बाद आपने अपना पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड लगाने के बाद इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके सामने ये एक पैटर्न वाला आएगा, इसको आपने साइड पे राइट क्लिक करके स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद आपके सामने एक मेन्यू आ जाएगा जिसमें प्लेबैक का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, मैनुअल, HDD रिकॉर्ड, कैमरा कॉन्फ़िगरेशन, मेंटेनेंस और शटडाउन। आपने HDD वाले मेन्यू में जाना है जो कि हार्ड डिस्क ड्राइव का मेन्यू शो करता है। इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करोगे सामने आपके शो करा देगा कि इसमें कैपेसिटी जो है वो 931 GB मतलब 1 TB की हार्ड ड्राइव लगी हुई है। आपके पास कोई भी लगी हो सकती है, मतलब 80 GB हो सकती है, 160 GB या 500 GB। स्टेटस में नॉर्मल आ रहा है, प्रॉपर्टी रीराइटेबल है, टाइप लोकल है और आगे फ्री स्पेस दिखा रहा है क्योंकि मेरी हार्ड ड्राइव में कोई अभी रिकॉर्डिंग नहीं मौजूद। दोस्तों रिकॉर्डिंग ना हो रही हो तो स्टेटस में आपके पास नॉर्मल के बजाय एरर लिखा आ रहा होगा, या आपकी हार्ड ड्राइव यहाँ पे शो ही नहीं करा रहा होगा या आपके पास स्टेटस में यहाँ पे एरर आ रहा होगा। इस मसले को क्लियर करने के लिए आपने इसको चेक बॉक्स को हार्ड ड्राइव को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे इनिशियलाइज, ऐड और बैक का बटन है, आपने इनिशियलाइज पे क्लिक करना है। इनिशियलाइज पे क्लिक करने के बाद ये आपसे ओके रिक्वायर करेगा क्योंकि ये हार्ड ड्राइव को मुकम्मल फॉर्मेट कर देगा। ओके पे क्लिक करें। ओके क्लिक करने के बाद ये इनिशियलाइजिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये 100% तक इनिशियलाइज होने के बाद आपकी हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट कर देगा और आपकी हार्ड ड्राइव वर्किंग में आ जाएगी। ये दोस्तों इनिशियलाइज हो चुकी है, स्टेटस में नॉर्मल आ गया है। उसके बावजूद अगर आपके पास यहाँ पे स्टेटस में नॉर्मल के बजाय अगर एरर आ रहा है तो आपने करना क्या है कि सिर्फ आपने अपने DVR की पावर सप्लाई जो है वो चेंज करनी है, उससे जो स्टेटस नॉर्मल हो जाएगा और आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। वीडियो देखने का शुक्रिया दोस्तों, कमेंट्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।